हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ैनब्स किचन। तो आज हम घर पर ही सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मावा बनाएंगे। बाज़ार में यूँ तो मावा तैयार मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें होती है कि मावा प्योर नहीं है, इसमें मिलावट है, या फिर कुछ जगह ऐसी है जहां मावा मिलता ही नहीं है। तो चलिए आज हम घर पर ही मावा बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें 2 चम्मच असली घी चाहिए, 1 कप मिल्क पाउडर चाहिए। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में 1/2 कप दूध चाहिए। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही पिघलने लग जाए, हम इसके अंदर हमारा 1/2 कप दूध डाल देंगे और दूध डालते के साथ हमें इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। चूल्हा हमारा मीडियम फ्लेम पर है और हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है। तो हमारा दूध जब तक उबलने लगे, तब तक हमारा चूल्हा मीडियम पर ही रहेगा। ये देखिए बॉईल आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर मेरा मिल्क पाउडर डाल दूंगी। और मिल्क पाउडर डालते ही आपको कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहना है। फ्लेम हमारी अभी भी मीडियम ही है। जैसे ही आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे, इसके अंदर उसके जो लम्स है वो स्लोली डिसॉल्व होने लगेंगे और हमें एक क्रीमी पेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम हमारा जो गैस का चूल्हा है उसे लो कर देंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हमारा चूल्हा लो पे होना चाहिए और हमारे हाथ कंटिन्यूसली स्टर करने चाहिए ताकि नीचे तले पर दूध ना लग जाए। मावा हम बहुत सारी मिठाइयों में यूज़ करते हैं और ये हम इंस्टेंट मावा बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें मिठाई बनानी होती है लेकिन घर पे मावा अवेलेबल नहीं होता है, तो जस्ट इन दैट केस आप ये रेसिपी ज़रूर रेफ़र करिए और आपकी ये परेशानी और ये दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि हम इसे घंटों तक दूध को जला नहीं रहे हैं, हम 10 मिनट के अंदर इंस्टेंट मावा बनाकर रेडी करेंगे और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा और प्योर मावा बनके हमारा तैयार होगा। इसे बस हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, तले में दूध लगना नहीं चाहिए, चम्मच को चलाते रहना है। बस यही इसका एक की इंग्रेडिएंट है। ठीक इसी तरह से देखिए हमारा जो दूध है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लग रहा है। ये देखिए, बस ध्यान हमारा यही होना चाहिए कि हमें रेगुलरली इसे चलाना है, नहीं तो दूध तले पे लग जाएगा। मावा बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल चीज है। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बाज़ार से भी अच्छा मावा बनाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और घर की बनाई हुई चीज़ तो घर की ही होती है, इसका कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। साइड से भी अच्छी तरह से आप इसे खुरचते हुए ठीक इसी तरह से मिक्स करते रहना है। धीरे धीरे जो हमारा मावा है वो पैन को अब छोड़ने लगेगा, तो ये इसका इंडिकेशन है कि हमारा मावा अब तैयार होने आ रहा है और हमारा दूध और मिल्क पाउडर सब चीज़ पक के रेडी हो रही है। तो ये देखिए आप, हमारा मावा बहुत इजीली पैन को छोड़ रहा है। गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए, बराबर में बेल का आइकन भी प्रेस करिए। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हमारा मावा बिल्कुल रेडी है, हम इसे गैस को बंद कर देंगे। हमारा गैस पूरे ड्यूरेशन में लो पर ही था, हमें इसे हाई पे नहीं रखना है। हम हमारी सर्विंग डिश में हमारा मावा को निकालेंगे, ये अभी गर्म है, हम इसे 2 घंटे के लिए खुले में छोड़ देंगे। आप चाहे तो फैन के नीचे रख सकते हैं या तो ऐसे ही किचन में कहीं जगह पे आप इसे रख सकते हैं। 2 घंटे बाद आप देखेंगे हमारा मावा इस तरह से हो गया है। देखिए कितना दानेदार और बहुत ही ज्यादा
शानदार बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर का बना है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।